हाँ अब बताओ, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। इलाज एक साल से चल रहा है लगातार। किस चीज का इलाज चल रहा है भाई? कभी ब्रेन टीवी, कभी कुछ और यही, कभी बोन टीवी, कभी खून के थप्पे, कभी खून के थप्पे, कभी कभी सिर में कीड़ा, कभी सिर में कीड़ा, कभी। कितना पैसा लगाया एक साल में? एक साल में जी लगभग 14-1 लाख रुपए। एक साल में 14 लाख रुपए। कभी ठीक हुआ? क्या होता था? सिर में दर्द ही रहता था। केवल सिर में दर्द रहता था, मरने के जैसा। कैसा? ये प्रेत है प्यारे, ये किसी और से नहीं जाएगा। दुनिया का कोई एलोपैथी का डॉक्टर इसको हिला तक नहीं पाएगा। यही बात, यही बात। मेरे पास आया, मैंने क्या किया? एक हथौड़ा। तब से दर्द बहुत कम है जी। तब से दर्द बहुत कम है, उत्तरोत्तर कम ही होता जा रहा है। जहाँ इससे एक भी रात नहीं रुका जाता था, और ये आईसीयू में जाता था। कहाँ कहाँ? ये एम्स में भी, कहाँ गया? मेरठ में भी। एम्स में भी जी, और 12 दिन भर्ती रहा। 12 दिन भर्ती रहा एम्स में। डॉक्टर साहब का नाम बताइए जरा। इलवर्सी ए। क्या डॉक्टर है ये? माइंड की बड़ी डॉक्टर नहीं है। माइंड की बड़ी डॉक्टर नहीं है, माइंड की। लास्ट में क्या कहा? पागल है? नहीं हो कहीं। देखो दर्द तो रहेगा, दर्द में तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो दर्द तो रहेगा, दर्द में हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या करेगी तू? वहाँ जब एडमिट रहा है मैं, तब मेरे बस पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगा देते 560, जो जिससे मेरा दर्द थोड़ी बहुत देर के लिए, मैं ज्यादा चिल्लाता था तो दर्द बंद हो जाता था। अच्छा, चिल्लाता था ये दर्द में? जब मेरे पास आया चिल्ला रहा था कि नहीं? उस दिन से चिल्लाया है कि नहीं? इतना नहीं करा। मैंने क्या मारा? हथौड़ी मारी तेरे सिर में, दाब दाब के। मारने से दर्द बढ़ता कि नहीं? जब आपकी नसें फटने को, फिर भी मनु भैया ने हथौड़ी मार दी। अरे चौरसिया जी, दीपक चौरसिया जी, ए टीवी न्यूज के एंकर जी, ए जी न्यूज के एंकर जी, ए दीपक चौरसिया जी, आ जाइए। प्रेतवा है, प्रेत अंधविश्वास नहीं है। मनु भैया कहते हैं धरती माँ की सौगंध, वेद व्यास जी की सौगंध, पुराणों की सौगंध, गीता माता की सौगंध, चरक संहिता की सौगंध। आइए तो दिखाऊं, प्रेत झूठा होता है। प्रेत को अंधविश्वास बोले। प्रेत को हमारा अंधा विश्वास हमारे भगवान पे है। जो लिखा है उसको सिद्ध कर देंगे। ए मनु भैया जी की स्पेशलिटी है, आए तो सही। कोई माई का लाल जिसने दूध पिया है माँ का, जो टीवी चैनल वाला है और फिल्माना चाहते है सत्य को, असत्य का सहारा लेते हो। अरे सत्य देख लो बाबू, बाबू सत्य भी देख लो चौरसिया जी। तुझे प्रेत था? हाँ के ना? प्रेत ना होता तो मैं कैसे ठीक कर पाता? हथौड़ी मारने से कहा तेरे सर का दर्द जाता, फट ना जाता? थक्के जम रहे हो किसी के सिर में? मनु भैया हथौड़ी मारे, पागल है क्या मनु भैया? पागल हूँ मैं? पागल लग रहा था क्या? हाँ? अरे चौरसिया जी, हो सकता है तुम्हारे से ज्यादा पढ़े लिखे हो। हम भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत धक्के खाए हैं, हैं? अब बहुत मेहनत किया, बहुत तप किया है। अरे ग्रस्त हैं, बाबा नहीं है। आप बाबाओं को तो मिला ही, ग्रस्तों को कब मिलोगे? आप उसको कब मिलोगे? चौरसिया जी को क्या कहना चाहोगे? प्रेत होते या नहीं होते हैं? होते हैं। मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ क्या? नहीं जी। तो जोर से बोलना। प्रेत होते हैं। किसी डॉक्टर से ठीक हुआ? नहीं। कोई पैसे वापिस दे देगा तेरे? किसी ने नहीं दिए जी। मैंने भैया से ले जा, तू ठीक होके भी दे देगा। दुनिया में कोई नहीं है। 25 तारीख से 1 रुपया 54 पैसे। कितना? याद रखिएगा जरा भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता। 54 होगी तो इलाज होगा, और नहीं होगी तो कोई इलाज नहीं होगा, है कि नहीं? तू तो पहले आ गया। नहीं वो नहीं, पुराने वालों को जरूरत नहीं है, नए वालों को जरूरत है। पुरानों को जरूरत है ही नहीं, और नए वालों को जरूरत है, है कि नहीं? बोलो शनिदेव महाराज क्या कहना चाहेगा दुनिया को? कि यही प्रेत होते हैं। मेरे दुखी रहा, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, डॉक्टरों से पैसा वापस दिलाओ। इंजेक्शन से भी आराम ना जी, अब दर्द की दवा भी बंद है। दर्द की दवा भी बंद है। जोर से, जोर से। मेरे आने से पहले एक दिन में 3 इंजेक्शन दर्द के लगे। चिट्ठी
रत्ती भर आराम नहीं। उसके बाद मेरठ गया, डॉक्टर ने बताया जो दवाई दे रहा हूँ उसका कोई रिएक्शन है कि नहीं है। आपसे साइन कराए थे जब आपका बेटा अंदर लिया? हाँ जी। किस नाम के साइन कराते? मर जाएगा तो हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ नहीं। मनु भैया के यहाँ के आप जीते ही जीते हो, मौज लेते हो, आनंद लेते हो। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। सच्चे दरबार की जय शनिदेव।